हेलो एवरीवन, दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट चैप्टर नंबर एक चैप्टर नंबर दो साइंस से फास्ट रिवीजन का वीडियो अपलोड हो चुका है उसको भी एक बार देख लीजिए। और आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर एक और चैप्टर नंबर दो में से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एक मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने मिलेंगे। तो फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द कलर ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर, राइट। तो यहां पे लेड नाइट्रेट पाउडर का कलर कौन सा है ये आपको पूछा गया है। तो वो आंसर भी आपको नीचे दिया गया है। देखो हर एक आंसर बहुत ही फटाफट आता जाएगा, तो ये आंसर भी हम लोग फटाफट लिखते भी जाएंगे और आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना हो तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो यहाँ पे, तो ये भी आपके लिए एक आसान तरीका रहेगा। व्हाट इज द कलर ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर, तो व्हाइट। रेस्पिरेशन इज एन ब्लैंक टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू हीट बाहर निकलती है, राइट। उसके बाद मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो थोड़ा सा एनर्जी वाली बात हो गई, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल है। तो यहां पे मैटर है, मैटर, राइट। तो मैटर होने की वजह से ये एनर्जी नहीं रहेगा, ये मास बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन क्या होता है दोस्तों? कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। बचाना मतलब क्या कि आपको वो चीज पहले जितनी मिल रही थी उतनी ही मिलेगी, अब फॉर्म बदलेगा उसका, राइट। फॉर्म बदलेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो चीज कंजर्व हो जाएगी लेकिन उसका फॉर्म बदल जाएगा यहां पे। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर वही रह रहा है। नेक्स्ट यहां पे आते हैं, क्विक लाइम इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों? उसका फॉर्मूला रहेगा सी ए ओ एच ट्वाइस, ओके, सी ए ओ एच ट्वाइस। ये जो फॉर्मूला है वो है लाइम, हमारा क्विक लाइम। इसके अलावा स्लेक लाइन भी आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, वो भी आप आगे आएगा तो देख लेंगे हम लोग, क्योंकि टेक्स्ट बुक की शुरुआत में ही अलग अलग प्रकार के फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलेंगे लाइन के ही, राइट। तो क्विक लाइन, स्लेक लाइन, ओके। आगे, बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वॉटर इज ब्लैंक टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग को साथ में मिला के बनाया जाता है। बर्निंग ऑफ कोल का मतलब होता है कोल कार्बन का फॉर्म है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये जवाब में क्या देगा आपको? CO2, राइट। उसी तरह से पानी का भी यही होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2 प्लस O2, राइट। उसका आपको जवाब मिलेगा 2H2O, लेकिन यहां पे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा तो यहां पे आगे 2 लगा देते हैं, तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन, तो 2 2 4, यहां पर भी 4, ऑक्सीजन 2, यहां पर भी ऑक्सीजन 2। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विथ 6 वोल्ट ऑफ बैटरी, राइट। यहां पे बैटरी का उन्होंने रेटिंग पूछा है तो 6 वोल्ट की बैटरी लगेगी। व्हेन आयरन नेल्स इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट देन कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लैंक आफ्टर सम टाइम, आंसर रहेगा पेल ग्रीन। ये भी आपको अंदर, आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे तो एक्टिविटी के फॉर्म में आपको दिया हुआ है जो आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्लैंक इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसका रिएक्शन भी पूछा लगता है। पहला सब्सटेंस है AgCl, उसका मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा है AgBr, जिसका मतलब होता है सिल्वर ब्रोमाइड। रिड्यूसिंग एजेंट अंडर गोज, ये डेफिनेशन में पढ़ा था हम लोगों ने, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो। क्या है रिड्यूसिंग एजेंट अंडर गोज? ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट करता है ऑक्सीडेशन, मतलब खुद का, ओके। आगे बढ़ते हैं, ब्लैंक इज मोर रिएक्टिव मेटल अमोंग Fe एंड Mg, तो पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है, ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो हम लोगों ने देखा था एक नेमोनिक के फॉर्म में कैटरीना, फिर कार मांगे, कौन सी कार मांगे, तो वो मांगे अल्टो, जेन, फेरारी, और ऐसे करके हम लोगों ने याद किया था। तो यहां पे अपने काम के दो आ गए थे, देखो Fe एंड Mg, राइट। Fe आ गया, Mg आ गया, तो Mg ऊपर है, उसका मतलब Mg विल बी मोर रिएक्टिव, तो हमारा आंसर भी वही हो रहा है Mg, मैग्नेशियम।
स्टेट द फॉर्मूला ऑफ लाइन, देखा दोस्तों यहां पे बोला था मैंने, और एक फॉर्मूला भी आएगा दैट इज लाइन, इसको बोला जाएगा क्विक लाइन। ओके, तो आगे हम लोगों ने देखा था वो भी एक फॉर्मूला था, यहां पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है, तो ये दोनों फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बना क्विक लाइन का, स्लेक लाइन का, लाइन भी बोला जाता है इसको, सिर्फ लाइन भी बोलो तो भी चलेगा। ओके, राइट द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये भी हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे, रस्टिंग वाले कोरोजन वाले पोर्शन में। उसके बाद नेम द रिएक्शन ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग रेंसिडिटी ऑफ फूड, क्योंकि रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, खाना जो होता है वो हवा के संपर्क में आता है, राइट, तो हवा में होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के आने से हो जाता है ऑक्सीडेशन, राइट। राइट द फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट, लेड मतलब पीबी, सल्फेट मतलब SO4, हमारा आंसर हो गया PbSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय द कंबशन ऑफ मीथेन, यहां पे ध्यान दोस्तों, मीथेन का कंबशन हो रहा है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4, दिस इज फॉर्मूला ऑफ मीथेन, याद रखना दोस्तों ये मीथेन का फॉर्मूला है, तो आंसर बन जाएगा CO2, राइट, एंड H2O, ये दोनों चीजें आप लोगों को मिलती है कंबशन से, राइट। और याद रखना दोस्तों, कंबशन जब जब हो रहा है तो उसका मतलब हो रहा है हम उसके साथ O2 को एड कर रहे हैं, राइट, कंबशन बर्निंग हर एक चीज में यही आएगा। आगे है मेंशन रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, किसके साथ, वॉटर में, तो वो आएगा 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बार और ऑक्सीजन 1 बार, इसलिए 2:1 ये हमारा आंसर हो गया। विच कलर्ड एश इज ऑब्टेन बाय बर्निंग मैग्नेशियम रिबन, ये सबसे पहला, ये चैप्टर की शुरुआत में ही हमें एक मैग्नेशियम रिबन बर्न करने वाला एक्सपेरिमेंट दिया गया है, वहां पे आपको मिलेगा व्हाइट कलर। व्हाट इज कॉल्ड द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, देखो ये उन्होंने डेफिनेशन में से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये है प्रेसिपिटेट, राइट, जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होता है, राइट। नेम टू मेटल्स विच डू नॉट कोरोड, जो कभी कोरोजन नहीं हो सकता वो है गोल्ड और प्लेटिनम, उनमें कभी कोरोजन नहीं होता, सिल्वर में कोरोजन होता है और उस कोरोजन का कलर होता है ब्लैक, जैसे आयरन जो है, आयरन का कलर क्या होता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन, तो यहां पे गोल्ड और प्लेटिनम, ये दोनों में कभी भी रस्टिंग नहीं होता, उनका कोरोजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच गैस बर्न्स विथ पॉपिंग साउंड, तो यहां पे आंसर आएगा हाइड्रोजन गैस। दूसरा हिसिंग साउंड भी होता है, तो हर एक गैस का अपना अलग अलग साउंड होता है, उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वो गैस कौन सा रहेगा, राइट। आगे देखते हैं नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड अगर सनलाइट में एक्सपोज होता है तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग, इसीलिए सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफिक प्रोसेस में यूज किया जाता है, ताकि फोटो का मतलब सनलाइट या तो कोई भी लाइट हो सकती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं विच कंपाउंड इज यूज टू डिटेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहां पे बात आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर से पढ़ते हैं विच कंपाउंड यूज टू डिटेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हाजिरी है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चैप्टर नंबर 5 में लाइफ प्रोसेस में भी ये आता है कि आप उसके अंदर स्ट्रो से हवा फूंकते हैं तो यू विल गेट द बबल्स और वो पूरा का पूरा मिल्की बन जाएगा, राइट। तो यहां पे आपके लिए एक और लिंक मिल गई। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट को गर्म करते वक्त कौन सा मिलता है, तो यहां पे आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हमको आंसर में मिलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होंगे जो बाय डिफॉल्ट ही हम लोगों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। ओके, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स इन नेचर, डिकम्पोजिशन इन नेचर में हमारा ये रोटेनिंग ऑफ फ्रूट्स, सड़ना फ्रूटों का, फलों का सड़ना। राइट द नेम ऑफ केमिकल यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ऑलरेडी आ चुका है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, दोनों आंसर है लेकिन यहां पे एक ही आंसर दिया गया है तो हम एक ही आंसर से आगे बढ़ेंगे। मेंशन द वन यूज ऑफ क्विक लाइम सीमेंट फैक्ट्री में, ये भी इनबिल्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का बैठा बिठाया क्वेश्चन है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन गैस जो ऑक्सीडेशन नहीं करने देता। नेम द रिएक्शन इन विच
टू कंपाउंड एक्सचेंज, देखो एक एक्सचेंज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, दो कर रहे हैं तो आंसर यहां पे आ जाएगा अपना डबल डिस्प्लेसमेंट. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन लाइव वाटर व्हेन CO2, अभी अभी हम लोगों ने बात किया था, स्ट्रो से हवा फूकेंगे तो हमारे मुंह से बाहर क्या आता है, तो हमारे मुंह से बाहर आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो अगर मिलेगा तो हमारा जो लाइव वाटर होगा वो मिल्की व्हाइट कलर का बन जाएगा. स्टेट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. तो ये तीन तरीके से, हीट देके, लाइट देके और इलेक्ट्रिसिटी देके हम वो बॉन्ड को तोड़ सकते हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं. गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल्स. अगेन वही आ गए, गोल्ड और प्लेटिनम, जो कम रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्टिव नहीं होंगे उनका कोरोजन भी नहीं होगा, क्योंकि कोरोजन इज द प्रोसेस बिटवीन मेटल एंड द एयर, एयर के अंदर रहा ऑक्सीजन ताकि उसका कोरोजन हो पाए, लेकिन ये रिएक्ट ही नहीं करते, लेस रिएक्टिव है. देखो यहां पे लिखा हुआ है नॉन रिएक्टिव, राइट, दूसरा लिखा हुआ है लेस रिएक्टिव, इसलिए वही जवाब हमारे रिपीट हो जाएंगे. मेंशन टू एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. राइट, रेस्पिरेशन जो हम लोगों ने पहले भी देखा था, और लाइम वाटर को मिल्की बनाने में भी हमको दिया था वो एक्सोथर्मिक, हवा को फूंकना, राइट, तो गर्मी बाहर आती है, ऐसा करेंगे तो भी गर्मी आती है, राइट, तो ये हमारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया. When does the breaking and forming of bond and change of color and smell of chemical substance takes place? ये सब reaction के hint है, जो chapter शुरू होते ही एक page पे आपको एक साथ चार bullet में देखने को मिलेंगे. तो वो है chemical reaction जब होता है तब bond form होते हैं, color भी change होता है, smell भी change होती है, right? तो यहाँ पे bond, change of color और दूसरा है smell, ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हो ये बनेगा chemical reaction. नेम द रिएक्शन विच फॉर्म्स इनसॉल्यूबल सॉल्ट. इनसॉल्यूबल सॉल्ट का मतलब वो जो सॉल्यूबल नहीं होता, तो वो होता है प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट बनाने वाले को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ओके, राइट द फॉर्मूला ऑफ टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. तो एक क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड, उन्होंने पूछा था ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, राइट, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर यहां पर मिल गए हमको, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड. What change will observe if we immerse, immerse मतलब डुबाना, iron nail in CuSO4, मतलब Fe plus CuSO4, ये reaction हमको justify करना है, तो यहां पर answer मिलेगा solution turns light green. क्यों पता है दोस्तों, क्योंकि Fe will replace Cu और हमारा एक product, दूसरा बनेगा Cu, एक बनेगा FeSO4 और उसका color होता है green. राइट, तो यहां पे देखो लिखा हुआ है सॉल्यूशन टर्न्स लाइट ग्रीन. ओके, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी हम लोगों ने देखा था, तो यहां पे जवाब आएगा सॉल्ट एंड वाटर. उसका बेस्ट एग्जांपल याद है दोस्तों, NaOH एक बेस हमारा, उसके साथ एसिड के फॉर्म में क्या डाल रहे थे हम लोग, HCl, तो दोनों का जवाब उनको मिल रहा था NaCl प्लस वाटर, तो ये सॉल्ट एंड वाटर हमारा यहां से कनेक्ट. द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लोअर देन, मतलब सात से कम. इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन फ्री में आता है दोस्तों, द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज हायर देन सेवन, राइट, तो ये दोनों क्वेश्चन साथ में भी आप ले सकते हैं. सॉल्यूशन ऑफ पीएच वैल्यू फाइव इज लेस ब्लैंक देन सॉल्यूशन ऑफ पीएच टू, यहां पर आएगा एसिडिक, मतलब पांच वाला जो होगा वो कम एसिडिक होगा किससे, दो वाले से, क्योंकि पांच जो है वो सात के नजदीक है, दो जो है वो जीरो या तो वन के नजदीक है, राइट. तो आगे क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एंटासिड, ये भी हम लोगों ने वो वीडियो में देखा था दोस्तों. अगर आपने वीडियो सही में नहीं देखा तो वीडियो फिर से एक बार देख लो, भले 2x के स्पीड में देखना, पर वीडियो देखोगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा और वो बहुत काम में आएगा. आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम दैट इज कैल्शियम सल्फेट, राइट, और 2H2O, इसको हम गर्म करते हैं तो उसको गर्म करने के बाद उसमें से क्या मिल रहा था दोस्तों, याद है आपको, वो हमको मिल रहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, हमारा POP. आगे, ऑरेंज जूस पजेस ब्लैंक कैरेक्टर, ऑब्वियस बात है एसिडिक कैरेक्टर, द फार्मर्स एड ब्लैंक टू द एसिडिक सॉइल, अगर सॉइल एसिडिक हुई तो अंदर एड करना पड़ेगा बेस, और लाइम जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है. ओके,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44, लिटमस इज अ ब्लैंक इंडिकेटर, ऑब्वियसली बात है नेचुरल इंडिकेटर, उसको कहीं बनाया नहीं जाता। आगे MgO इज ब्लैंक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड क्यों याद है पता है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था पता है मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स वो क्या होता है, वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, राइट। आगे व्हाट काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पेपर इज यूज्ड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर टू मेजर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पे आंसर आएगा इम्प्रेग्नेटेड, राइट, इम्प्रेग्नेटेड भी बोलते हैं लेकिन मेरा ये तरीका है बोलने का। आगे बढ़ते हैं, आंसर मिल गया आपने 46 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, द एटमोस्फियर ऑफ विच प्लेनेट इज मेड अप ऑफ थिक वाइट येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पे आंसर आएगा वीनस। देखो दोस्तों, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो हमारे सिलेबस से रिजेंबल नहीं करते हैं, फिर भी यहां पे कुछ काम के हैं तो वो क्वेश्चन हम लोगों ने मेंशन किए हैं, अगर आपको जरूरी नहीं लगते तो यू कैन विड्रॉ इट, राइट, उसको आप छोड़ भी सकते हो। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स दैट कॉज बर्निंग पेन, तो आंसर आ जाएगा मिथेनोइक एसिड, मतलब जब डंक लगता है, राइट, तो वो यही होता है मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से हमको इरिटेशन फील होता है और इचिंग होती है, राइट। स्टेट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटाश, ये भी आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, फिर भी याद रखा जैसा है, पोटाश है तो पोटेशियम से बना हुआ है, तो हमारा जवाब आ जाएगा KOH, ओके। राइट द कंपोजिशन ऑफ एक्वारिजिया, एक्वारिजिया का दूसरा नाम है दोस्तों रॉयल वॉटर, राइट। रॉयल वॉटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अकेला एक सोल्यूशन है जो कि गोल्ड के साथ रिएक्शन देता है, जिसका कंपोजिशन है एक पार्ट HNO3 का और तीन पार्ट HCl के, और दोनों क्या रहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, राइट। HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड और HCl का मतलब आप लोगों को पता ही होगा वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे देखते हैं दोस्तों, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडा एश, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन नाम याद रखना Na2CO3, नाम है उसका सोडियम कार्बोनेट, ओके। विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ये भी आपको ब्लीचिंग पाउडर वाले में आया था, आपको याद हो तो टॉपिक का नाम है सॉल्ट फैमिली, राइट, सॉल्ट फैमिली, उसके अंडर में आपको अलग अलग सॉल्ट मिल देंगे, राइट, सॉल्ट फैमिली में आपको ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब कुछ आपको मिलेगा, POP मिलेगा, तो वो आप यहां से याद रख सकते हो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा नया क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ऑरेंज इज एसिडिक, तो यहां पे आंसर होगा उसका एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। चैप्टर के अंदर एक आप देखेंगे तो पेज जो है उसके अंदर एक्टिविटी के फॉर्म में एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग एसिड के नाम है, कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये रहा आंसर 7.36 से लेके 7.42, ये रेंज के अंदर ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू एक्यूमुलेट करता रहता है। एट अ नॉर्मल टेम्परेचर सब्सटेंस केप इन एटमोस्फियर लूजेस वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय विच नेम सब्सटेंस इज नोन, तो वहां पे होता है हाइड्रेटेड, क्यों पता है, क्योंकि हाइड्रेटेड का मतलब उसके अंदर पानी था, अब गर्म करने से वो पानी उड़ गया, तो पहले वो क्या था, हाइड्रेटेड सोल्ट था, राइट। तो आगे देखते हैं, नेम द रिएक्शन इन विच बेस इज एडेड इन एसिड, एसिड और बेस के बीच की प्रोसेस को क्या बोलेंगे वो पूछा है, तो आंसर है न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज कॉल्ड बेस, अभी बेस अगर पानी के साथ मिलाया जाता है तो वो बन जाता है अल्कली, और उसका और एक भी वर्ड है वो है अल्कलाइन, राइट, वो आप लोगों को याद रखना है अल्कलाइन। स्टेट द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट विच इज यूजफुल एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ फूड, वो है सोडियम क्लोराइड, हमारा नमक, राइट, दैट इज NaCl, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग ऑफ फूड इज एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन केमिकल, क्योंकि उसके अंदर सब्सटेंस का स्मेल एक और दूसरा उसका कलर, ये दोनों चेंज होता रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का,
व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1, राइट, क्यू 1 होता है, वो भी देख लेते हैं। तो सोडियम जो है हमारा Na, उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा दोस्तों, उसका एटॉमिक नंबर रहेगा 11, राइट। अभी 11 का मतलब ये हुआ, अगर उसको हम न्यूक्लियस के आजू बाजू ऑर्बिट के अंदर अरेंज करेंगे, राइट, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमारा दूसरा ऑर्बिट अगर हम अरेंज करने जाएं तो उसका कैपेसिटी 8 का है, तो 2 आगे करे थे, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हुए दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गए, मतलब 10 हुए। और लास्ट वाली जो ऑर्बिट रहेगी उसके अंदर सिर्फ एक ही आ पाएगा, क्योंकि हमारे पास है ही कितने, 11 है, तो एक आएगा, वो होगा आउटर मोस्ट। और आउटर मोस्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। तो यहां पे दोस्तों हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, इसके आंसर्स आपको यहां पे दिए हुए हैं, ये सारे आंसर्स एक बार आप रिवाइज कर लेना, देख लेना, याद रखना। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि आने वाली एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो हमारी मेहनत सफल रहे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो फटाफट इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि हम आगे और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें आपके लिए और आपका काम आसान बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।